फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी। आज का वीडियो जिस टॉपिक के बारे में है वो है सेंसरी इश्यूज इन द चिल्ड्रन। कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुछ और सा बिहेवियर करते हैं जो नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग दिखता है। हम ज्यादातर बच्चे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा इतनी अजीब सी हरकत क्यों करता है, बाकी बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है, या फिर बच्चे को डांटने लगते हैं। बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनको ब्लेम करते हैं, शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा जिसकी वजह से बच्चे का इस तरह का बिहेवियर है। रदर देन डूइंग दीज थिंग्स वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉज है इसके पीछे, बच्चा इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्या उसका कोई सेंसरी इशू हो सकता है, और अगर सेंसरी इशू है भी तो वो किस तरह का सेंसरी इशू है। तो आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सेंसरी इश्यूज को लेकर है। सेंसरी इशू अंडर सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव दोनों कंडीशन में हो सकता है। बेसिकली हमें ये पता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, पर जो बाकी के 3 सेंसरी सिस्टम स्लाइड्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कंडीशंस आपके सामने बताना चाहूंगी। क्या आपने बच्चों में कुछ ऑड बिहेवियर्स कभी देखे हैं, जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वॉल्यूम में गाना सुनना पसंद करते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वॉल्यूम सुन के डर जाते हैं, जैसे कि मिक्सी की आवाज हो या कुकर प्रेशर की आवाज हो। उसके अलावा कुछ बच्चे टीवी बहुत नजदीक से आकर देखना पसंद करते हैं तो कुछ बच्चे डिस्प्ले को देखकर बहुत ज्यादा लाइटिंग को देखकर डर जाते हैं। कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं पर कुछ बच्चे अपनी जगह से मूव नहीं करना चाहते, उनको एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे रहना ही पसंद होता है। कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर टाइप का फूड ही खाना चाहते हैं, मतलब उनको टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का फूड ट्राई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ बच्चे हर चीज को स्मेल करते रहते हैं, उनको पसंद आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीजों को स्मेल करना। कुछ बच्चे बहुत तरीके की स्मेल से उनको वॉमिटिंग आती है और वो इरिटेट भी हो जाते हैं। इस तरह के ऑड बिहेवियर्स बच्चों में आपने डेफिनेटली देखे होंगे। कभी भी बच्चे को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन ऑड बिहेवियर्स के पीछे कुछ कारण हो सकता है जिसका नाम है सेंसरी इश्यूज। उस कॉज को जानने की जरूरत है, उस पर आपको कुछ वर्क करने की भी जरूरत है, तब जाके बच्चा कहीं अपने सेंसरी इश्यूज पर कंट्रोल कर सकता है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे सेंसरी सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्टिमुलस हम फील करते हैं या फिर हमारी बॉडी के बाहर जो भी स्टिमुलस होता है उसका रियलाइजेशन और उसका रियलाइजेशन करके उस पर कैसे रेस्पॉन्ड करना है, ये दोनों चीज तब हो पाती है जब हमारा सेंसरी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर हमारे सेंसरी सिस्टम में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारे रिएक्शंस में और हमारे रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और कहीं ना कहीं हमें डेली लाइफ एक्टिविटीज को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम आगे जा सकता है। तो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लाइक इन द एज ऑफ 0 to 5 years, जरूर इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और अगर ऐसा लगे कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है जिससे बच्चे का वो प्रॉब्लम सेंसरी सिस्टम को लेके वहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए, जिससे आगे की लाइफ उसकी आसान बन सके। अब सबसे पहले जो सेंसरी सिस्टम की हम बात करेंगे वो है विजुअल, जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स को समझ पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। दूसरा आएगा गस्टेटरी सिस्टम, टेस्ट करके पता चल पाता है, जैसे कि हम सौर खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हैं या फिर सॉल्टी खा रहे हैं, ये सब टेस्ट हमें गस्टेटरी सिस्टम की वजह से पता चलते हैं। ऑल्फैक्टरी सिस्टम, जो कैसे हम स्मेल कर पा रहे हैं चीजों को, और वो हमारी जो मेमोरी है वो स्टोर होती जाती है एक पर्टिकुलर स्मेल को लेके, जैसे पे पता चल जाता है कि ये जैस्मिन की स्मेल है या ये लेवेंडर की स्मेल है, तो हम जो स्मेल की है हमने वो हमारे ब्रेन में स्टोर है, इसलिए हम रिकॉल करके बता पाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्मेल थी। ऑडिटरी सिस्टम, यू नो वेरी वेल, हम इस दुनिया में कुछ भी सुन पा रहे हैं, सुनने का जितना भी प्रोसेस है वो ऑडिटरी सिस्टम की हेल्प से हो पाता है। अगर आप चीजों को सुन ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे प्रोसेस कर पाएंगे इतनी सारी इंफॉर्मेशन को। टैक्टाइल टच,
टैक्टाइल सिस्टम जिसके थ्रू हम टच करके चीजों को बता पाते हैं। अच्छा, को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि टच करके बताओ तो तुम क्या चीज को टच कर रहे हो, तो वो टैक्टाइल सिस्टम की वजह से सोचकर बता पाता है कि मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ। तो बिना देखे भी कई बार आप चीजों को समझ सकते हैं कि हम क्या टच कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनका टैक्टाइल सिस्टम डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होता होगा, क्योंकि वो टच कर करके चीजों को पढ़ना सीखते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, इवन बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं जैसे कि नॉर्मल लोग काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बहुत बैंकिंग में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं दिखता है, वो सारे काम वो बहुत अच्छे से करते हैं। टैक्टाइल सिस्टम बहुत अच्छा होता है, टच के लेवल पे वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। अब जिन तीन सिस्टम के बारे में मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी वो है वेस्टिबुलर सिस्टम। सबसे पहले इस सिस्टम की हेल्प से हमें पता चल पाता है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किस तरह से मूवमेंट को करना है, कितना मूवमेंट करना है, किस डायरेक्शन में करना है। इस सब चीजों को समझने के लिए वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है प्रोप्रायोसेप्शन, मतलब ये बेसिकली हमारी मसल और जॉइंट में जो सेंसेशन हमें फील होती है, जैसे हमने किसी चीज को पकड़ा तो हमें कितने प्रेशर से पकड़ना है या हमें कितना उसको लूज छोड़ना है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोप्रायोसेप्शन देता है। उसके बाद इंटरोसेप्शन, हमारी बॉडी को सेल्फ रेगुलेट करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने अंदर बहुत सारी जैसे भूख लगना, प्यास लगना, या फिर आपको टॉयलेट जाना है या फिर आपको पॉटी के लिए जाना है, इन सब चीजों को समझना ये इंटरसेप्शन के अंदर आता है। अब बात करेंगे इस बारे में कि अगर अंडर सेंसिटिव है कोई बच्चा या ओवर सेंसिटिव है इन तीन सिस्टम्स को लेके, तो किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में। तो वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या है कि मैंने डिवाइड कर दिया है इसको दो पार्ट्स में। जब आपका बच्चा अगर अंडर सेंसिटिव है वेस्टिबुलर सिस्टम को लेके, तो ये फीचर्स दिखाई देंगे। अंडर सेंसिटिव का मतलब होता है कि मूवमेंट सीकिंग है आपका बच्चा। अंडर सेंसिटिव को हाइपो सेंसिटिव भी बोला जाता है और ओवर सेंसिटिव को हाइपर सेंसिटिव भी बोला जाता है। क्या ऐसे केसेस होते हैं जब बच्चा वेस्टिबुलर सिस्टम को लेकर अंडर सेंसिटिव होता है, यानी मूवमेंट सीकिंग होता है, मूवमेंट उसकी बॉडी को ज्यादा चाहिए, जरूरत से ज्यादा चाहिए, जितना एक नॉर्मल बच्चा मूवमेंट करता है उससे ज्यादा वो बच्चा मूवमेंट करेगा। इन शॉर्ट तो क्या क्या चीजें उस बच्चे में देखने को मिलती है, हर टाइम स्विंगिंग करता रहेगा, स्पिनिंग करता रहेगा, सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम होती है, तो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहने की आदत होती है, बहुत ही ज्यादा क्लमजी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते हैं, पता नहीं होता कि अब बॉडी को स्टेबल कैसे रखना है। उसके बाद अगर किसी से मिलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है शरीर में तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। टायर्डनेस का कोई सेंस ही नहीं होता क्योंकि बॉडी में मूवमेंट इतना ज्यादा है और उसे इतना एंजॉय करते हैं कि बिल्कुल भी थकते नहीं, बैठते नहीं है, तो ऐसा आपको लगेगा कि ये बच्चा तो बिल्कुल भी टायर्ड ही नहीं होता है। यही वेस्टिबुलर सिस्टम ओवर सेंसिटिव हो तो कुछ और चीजें आपको नजर आएंगी, जैसे कि पार्क में बिल्कुल नहीं जाना चाहते क्योंकि मूवमेंट पसंद नहीं है। उसके अलावा बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत संभल संभल के चलते हैं, उन्हें लगता है कि गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। मान लीजिए अपने हेड पोजीशन को किसी और डायरेक्शन में रखा, वर्टिकली अपोजिट रखा, साइडवेज रखा, तो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। सीढ़ियां चढ़ने में और सीढ़ियां उतरने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। पीछे की तरफ गिरने का बहुत ज्यादा डर होता है जब चलते हैं, उनको ऐसा लगता है वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मूवमेंट को लेके हमेशा उनके दिमाग में एक फियर बना रहता है। बहुत ही फैटिक और लो स्टेमिना रहता है, मतलब थकावट बहुत महसूस होती है, उठना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, मूवमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अंडर सेंसिटिव मूवमेंट ज्यादा चाहते हैं, ओवर सेंसिटिव मूवमेंट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दोनों तरफ जो एक्टिविटीज होंगी ठीक करने के लिए वो अलग तरह की होंगी और इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी।
कि इन दोनों ही तरह के प्रॉब्लम पर कैसे काम किया जा सकता है. सो दिस इज द नेक्स्ट सिस्टम, दिस इज प्रो प्रायोसेप्टिव सिस्टम. थोड़ा वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो प्लीज आप मुझे माफ करें. ओके, अंडर सेंसिटिव के केसेस लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, मतलब जिनको प्रोप्रायोसेप्टिव सिस्टम जो है उसमें आपको पता लगता है कि हाउ योर बॉडी इज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर यू आर लाइंग विद इन द स्पेस. बेसिकली दिस इज द प्रोप्रायोसेप्टिव सिस्टम. तो अंडर सेंसिटिविटी के अंदर क्या आएगा कि आप अपनी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर चाहते हैं, जैसे कि इस तरह के जो बच्चे होंगे वो वॉल्स से टकरा कर चलते हैं, सरफेसेस से चिपक चिपक कर चलते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा बॉडी पर प्रेशर फील हो, प्रेशर सीकिंग होते हैं, अपने कॉलर्स को चबाते रहेंगे, पेंसिल को चबाते रहते हैं. उसके अलावा बहुत टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि टाइट कपड़ा बॉडी पर प्रेशर देता है. उसके अलावा पेंसिल को इतना टाइट पकड़ते हैं कि पेज फटने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है ये पेज आज बचेगा नहीं अगर उन्होंने लिखना शुरू किया. जब टूथपेस्ट को दबाएंगे तो ऑलमोस्ट सारा ही टूथपेस्ट बाहर आ जाता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा देते हैं टूथपेस्ट के ऊपर. बहुत क्लम्सी और होते हैं और अपनी बाउंड्रीज को नहीं समझते हैं. तो क्या है कि मान लीजिए सामने फ्रेंड खड़ा है तो उसके ऊपर गिरेंगे, उसको हग कर लेंगे, प्रेशर चाहिए क्योंकि अपनी बॉडी को प्रेशर सीकिंग है. तो बाउंड्रीज नहीं पता होती कि हमें कितना दूरी मेंटेन करनी है किसी के सामने. ओपन स्पेसेस में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है क्योंकि ओपन स्पेस में उनको कोई प्रेशर फील नहीं होता बॉडी पर, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो उनको काफी अजीब सा लगता है इस तरह के स्पेसेस में. तो अगर ओपन पार्क में उनको बैठा दिया जाए तो उनको बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होगा. अंडर सेंसिटिव, ओके. नाउ वी विल मूव टू द ओवर सेंसिटिव, बिल्कुल अलग है सिचुएशन. तो हम देखते हैं वन बाय वन क्या होता है. बहुत धीरे धीरे चलते हैं, फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. तो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं और मान लीजिए फ्रेंड क्लोजली आके खेलना चाहता है तो उससे दूर हटते हैं, उससे दूर जाते हैं कि हमें पास नहीं जाना. किसी का भी टच पसंद नहीं आता, चाहे उसमें पेरेंट्स भी हो उनका टच भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता कि बॉडी पे किसी तरह का प्रेशर पड़े. एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो किसी ना किसी बॉडी पार्ट पे आपको पेन महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. लाइट क्लोथ्स अच्छे लगते हैं क्योंकि लाइट क्लोथ्स बॉडी को टच नहीं करते तो किसी तरह का प्रेशर बॉडी पर नहीं पड़ता है. पेंसिल को बहुत ही लूज पकड़ते हैं तो जब वो लिखेंगे तो आपको पेंसिल का जो निशान है वो शायद ना ही दिखे, बिल्कुल लाइट दिखेगा क्योंकि ग्रिप बहुत लूज होती है. जब टूथपेस्ट निकालना चाहेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ता उसके ऊपर, टूथपेस्ट के ऊपर. जो मूविंग चेयर्स आपने देखी होंगी जो आगे पीछे मूव करती हैं, जिनमें टायर्स लगे होते हैं नीचे, उन वाली चेयर्स पे बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि जब चेयर मूव करती है तो आपकी बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर उनको अनकंफर्टेबल करता है. लास्टली जितने भी क्राउडेड स्पेसेस हैं, जैसे आप मॉल चले गए अगर बहुत क्राउड है वहां पे, या आप मार्केट्स में चले गए, या आप वेजिटेबल खरीदने के लिए निकल गए, जितने भी क्राउडेड स्पेसेस होंगे उनमें बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है. तो दोनों ही केसेस के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम पास करते हैं अगले सिस्टम के बारे में जो है इंटरोसेप्टिव सिस्टम. की वजह से हम अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं, हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपनी भूख पर, हम अपनी प्यास पर, हम अपने जितने भी ब्लैडर की जो मूवमेंट्स है उन पर, इन सब चीजों पर कंट्रोल हमारा इंटरोसेप्टिव सिस्टम की वजह से होता है. जैसे हम किसी किसी को कहते हैं ना कि यार ये बड़ा इमोशनली स्टेबल बंदा है, इसका क्या मतलब है कि ना तो वो इमोशनली वीक है, ना तो वो किसी के इमोशन में पड़ के अपने गलत डिसीजन लेता है, ना ही वो इमोशनलेस है, मतलब उसको फील होते हैं इमोशंस, ठीक है. तो अंडर सेंसिटिव के केस में क्या होगा कि इमोशंस बहुत रेयर होते हैं,
बहुत कम फीलिंग होती है इमोशंस की, मतलब प्यार की फीलिंग, सेक्रीफाइस की फीलिंग, बहुत अलग अलग टाइप की फीलिंग्स हम अपने मन में रखते हैं। हेट्रेड की फीलिंग भी होती है, जेलसी की फीलिंग भी होती है, तो इस तरह की वैरायटी ऑफ फीलिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा रोबोटिक टाइप का बिहेवियर रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस इंसान को। तो उस तरह के इमोशंस इन बच्चों में होंगे अंडर सेंसिटिव में। उसके बाद कोई पेन नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं इंजरी का, क्योंकि वो महसूस ही नहीं होती। जब तक कि बहुत बड़ी इंजरी ना हो जाए तो कई बार पता भी नहीं चलता। उसके बाद टॉयलेट बहुत लंबे टाइम तक नहीं जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो उनका एहसास ही नहीं होता। उसके बाद खाना खाना अगर शुरू कर दिया तो ये नहीं पता कि खत्म कब करना है, क्योंकि फुलनेस फील ही नहीं होती स्टमक में कि हमारा पेट भर गया है। वो पॉइंट नहीं समझ में आता। तो एक बार खा रहे हैं तो खाते ही गए खाते ही गए। आप बच्चे को खिला रहे हैं वो आपको मना नहीं करेगा इस केस में। और उसके अलावा कई बच्चे पानी नहीं बताते, बहुत बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं मांगेंगे आपसे पानी, उनको प्यास फील नहीं होती। ये सब प्रॉब्लम अंडर सेंसिटिविटी के अंदर आएगी, क्योंकि वो सेंसेशन जो है, जो बॉडी में ये सब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, वो उन्हें फील नहीं होती है। अंडर सेंसिटिव कम है वो सेंसेशन, ओवर सेंसिटिव वो ही सेंसेशन बहुत ज्यादा है बॉडी में, जरूरत से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल है सभी को लेके। और इतने इमोशनल है कि अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस एक टाइम पे उनकी बॉडी में प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे और एडल्ट जो भी हैं वो खुद दुखी हो जाते हैं कि किस तरह से डिसीजन लें, कैसे आगे बढ़ें। जो उनका एकेडमिक वाला पार्ट है कई बार वो सफर करता है, क्योंकि वो अपने इमोशनल पार्ट में इतने खोए रहते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते उसकी वजह से। देन बहुत ज्यादा पेन महसूस करते हैं, जैसे एक इंजेक्शन भी अगर लगवाएंगे तो उनके लिए वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि उसके जो सिरिंज का जो पेन है वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। टॉयलेट बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, बहुत जल्दी फील होता है सेंसेशन कि हमारा पेट भर गया है, हमने पानी पिया तुरंत भर गया, फिर टॉयलेट जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आएगा फिर जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सेंसेशन ब्लैडर में फील होती है टॉयलेट जाने के लिए। भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, तो सब कुछ बहुत जल्दी होगा। खाना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद याद आया अरे अब पानी चाहिए, फिर कुछ और याद आ गया। तो जितना भी उनका रूटीन होता है फुल डे का, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इन सब चीजों की वजह से। तो खाने में, पीने में, टॉयलेट में बहुत सारा टाइम उनका इन्हीं बातों में निकल जाता है, क्योंकि ओवर सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा वो सेंसेशन उनकी बॉडी में फील होती है। तो दोनों ही केसेस जो है वो इंसान के लिए अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस की जरूरत है। तो तीनों जो सिस्टम पे हमने बात करी अभी तक, अंडर सेंसिटिव में अलग प्रॉब्लम्स थी, ओवर सेंसिटिव में अलग प्रॉब्लम्स थी, दोनों को काफी हद तक रेगुलेट करने के लिए एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनसे आप बच्चों पर काफी कंट्रोल कर सकते हैं इन चीजों पर। सी, एक हमारा अंदर से सिस्टम बना है। अगर हम अंडर सेंसिटिव केस में आते हैं किसी सिस्टम को लेके, तो बॉडी तो हमारा ऐसा ही करेगी, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बदलने की। पर हमारी जो बदलने की एज है, थोड़ा बहुत जो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वो कम उम्र में होती है। लाइक अब 0 to 6 years तक की जो एज होती है, उसमें आप जल्दी अपने आप को किसी और तरह से अडेप्ट कर पाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके लिए किसी और तरह से अडेप्ट करना, किसी और सिचुएशन में अडेप्ट करना मुश्किल होता है। बहुत रिजिडिटी आ जाती है अपने खुद के अंदर, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। तो जितनी कम उम्र में इस एरिया पर काम होगा, उतना बच्चे के लिए बेहतर होगा। पेरेंट्स के लिए इन चीजों में एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इग्नोर करने वाली चीजें बिल्कुल नहीं है, ध्यान देने वाली चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए इन चीजों के बारे में और अपने आप को अवेयर कीजिए। जिनके बच्चे ऑलरेडी छोटे हैं वो प्लीज आज से ही देखना शुरू करें, कहीं अगर प्रॉब्लम है तो उस पर काम करना शुरू करें। और जो अपने बच्चे प्लान कर रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं है, वो आगे फ्यूचर के लिए अवेयर हो जाएं कि हमें केयरफुल रहना है इन चीजों को लेकर।
सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं इन तीनों ही सिस्टम के लिए एक्टिविटीज डेफिनेटली प्लान करूंगी, बताऊंगी अपनी तरफ से। सो जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो बच्चे अपने अंडर सेंसिटिविटी को और ओवर सेंसिटिविटी वाले केसेस से हटके थोड़ा नॉर्मल वाली कंडीशन में आ पाते हैं। एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट विल क्रिएट सम इम्पैक्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।